हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो F23 5G फ़ोन है, तो ओप्पो F23 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी है, तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं ओप्पो F23 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलिंग आईडी को कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी है, तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो सिंपली आपको इस पर सर्च करना है कॉलर आईडी। पर यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आएगा, बेस्ट ऑप्शन आ गया, पर इसके लिए आप डिफ्यूट करना होगा। तो आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना होगा, तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर इस तरीके से फ़ोन आइकन शो हो जाते हैं। तो थ्री डॉट पे जाकर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही कॉलर आईडी स्पैम कॉल प्रोटेक्शन ऑप्शन आपके फ़ोन में शो हो जाता है, जिसको आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं और इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कॉलिंग आईडी आपके फ़ोन में इनेबल हो जाती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्पैम कॉल प्रोटेक्शन को आपने इनेबल कर दिया है, और फिल्टर स्पैम कॉल्स का भी हमने यूज़ कर लिया, जैसे देख सकते हैं। तो इसका यूज़ करके अपने दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लिया, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और स्पैम कॉल्स या सस्पेक्टेड कॉल्स का पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं और अनाउंसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का नेवर कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज करके कॉलिंग्स वगैरह आपके फ़ोन में अनाउंस हो जाती है। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं ओप्पो F23 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें।